गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन था कि सर डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर समझा दीजिए। तो डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर तो सीखेंगे ही, साथ में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ विशेष सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेईई लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदर सिंह। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर प्रेस करें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, जिसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं, लिविंग सेल्स के केंद्रक में पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाई फ्रीडरिक मिक्सचर, शॉर्ट में लिखा जाता है एफ मिक्सचर, फ्रीडरिक मिक्सचर। डिस्कवरी कब की थी? 1868 में। लेकिन इन्होंने जब न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी तो इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। टर्म्ड एज क्या कहा? न्यूक्लिन। क्लियर। तो फिर न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? टर्म न्यूक्लिक एसिड गिवन बाय अल्टमैन। न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। क्लियर सभी को? इसके बाद में हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला डीएनए और दूसरा टाइप हम सीखेंगे आरएनए। फुल फॉर्म क्या है डीएनए का? फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर। अब ये जो डीएनए है इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, मतलब ये किन से मिलकर बने होते हैं, वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के अवयव। तो पहला है सुगर और दूसरा नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह। अब बात करें यहां पर जो सुगर पाई जाएगी वो कौन सी सुगर होगी? वो सुगर होगी डी ऑक्सी राइबोज सुगर, डी ऑक्सी राइबोज सुगर। आइए आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए के कंपोनेंट भी तीन होते हैं, बिल्कुल सेम, लेकिन चेंज क्या होगा वही मैं बता रहा हूं अभी आपको। कंपोनेंट ऑफ आरएनए, पहला कंपोनेंट यहां पर भी सुगर होगा और सेकंड कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेस होगा और थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर। तो कंपोनेंट सेम है। अच्छा, सुगर की बात कर लें, आरएनए में कौन सी सुगर पाई जाएगी? राइबोज सुगर, राइबोज सुगर। यहां पर है डी ऑक्सी, डी मतलब रिमूवल या एब्सेंट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। डीएनए की जो सुगर है उसको डी ऑक्सी राइबोज सुगर कहते हैं। इसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और यहां पर सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ओएच ग्रुप होता है। क्लियर है ना? तो नाइट्रोजनस बेस से रिलेटेड क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में। तो यहां पर कितने होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, ए जी टी सी। क्लियर।
अब यहां पर नाइट्रोजनस बेस एक चेंज रहता है, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, लेकिन थायमिन के प्लेस पर आरएनए में यूरेसिल होता है और लास्ट में यहां पर साइटोसिन। इतना क्लियर सभी को? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम सीखने जा रहे हैं डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर्स, एडेनिन का, ग्वानिन का, थायमिन का, साइटोसिन का। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर एडेनिन और ग्वानिन को कॉमनली प्यूरीन कहा जाता है और थायमिन और साइटोसिन को कॉमनली पिरिमिडीन कहा जाता है। ऐसे ही यहां पर एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरीन कहेंगे, यूरेसिल और साइटोसिन को पिरिमिडीन कहेंगे। तो प्यूरीन तो दोनों में कॉमन है, लेकिन पिरिमिडीन यहां पर डीएनए में थायमिन और साइटोसिन है, यहां पर थायमिन के प्लेस पर यूरेसिल है। इतना गाइस क्लियर है सभी को? अब हम इनके स्ट्रक्चर सीखेंगे। डीएनए के नाइट्रोजनस बेस दो हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में एडेनिन ग्वानिन आता है, पिरिमिडीन में थायमिन साइटोसिन आता है। आरएनए के नाइट्रोजनस बेस भी दो हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन में यूरेसिल और साइटोसिन आता है। ये तो थ्योरेटिकल थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस स्टार्ट करते हैं डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर्स। नाइट्रोजिनस बेस ऑफ डीएनए, और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रक्चर। सबसे पहले डीएनए के देखें, इसके बाद अभी आरएनए के देखेंगे। तो हमने अभी आपको बताया कि दो नाइट्रोजनस बेस हैं, कौन कौन से, मतलब कॉमनली जिसको बोला जाता है, एक पार्ट प्यूरीन है और दूसरा पार्ट है पिरिमिडीन। अब प्यूरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक होता है, लेकिन डबल रिंग होता है। तो यहां पर मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 137 and 9 पोजीशन। नाइट्रोजन कहां पर प्रेजेंट होगा डबल रिंग स्ट्रक्चर पर, 137 and 9 पोजीशन पर। पिरिमिडीन के बारे में दो पॉइंट देख लें, यहां पर होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर सिंगल रिंग होता है, और नाइट्रोजन प्रेजेंट, नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 1 and 3 पोजीशन। पिरिमिडीन में वन रिंग प्रेजेंट होता है और उस वन रिंग में, सिंगल रिंग में नाइट्रोजन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, 1 and 3 पोजीशन पर। अब प्यूरीन का स्ट्रक्चर आप कॉन्सेप्चुअल समझ लीजिए, जिसके बेसिस पर आपको प्यूरीन के नाइट्रोजनस बेस एडेनिन और ग्वानिन समझना है और पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन समझना है। तो प्यूरीन का स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहे हैं, देखिए इसको। सबसे पहले आप इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और दूसरा जो साइक्लिक रिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डबल रिंग प्रेजेंट है, एक रिंग ये और दूसरा रिंग ये प्रेजेंट है। यहां पर ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थ्री पोजीशन, ये जो कॉर्नर है फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और ये नाइन्थ पोजीशन। नाइट्रोजन पुट कर देते हैं, वन पोजीशन पर नाइट्रोजन है, थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है, सेवन पर और नाइन पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इज 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। ये आप ध्यान रखेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी, कार्बन की 4 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है, मतलब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन मेनली यहाँ पर 3
बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर तीन बॉन्ड फॉर्म नहीं है स्ट्रक्चर में तो वहां पर आप हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर जो नाइट्रोजन है यहां पर एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, तो हमने कहा आप क्या ऐड कर लेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर है प्यूरीन का, क्लियर गाइस। इसके बाद में हम पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सिंगल रिंग होता है, तो हमने यहाँ पर सिंगल रिंग ड्रा कर लिया। अब देखिए नंबरिंग ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट आपको सीखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन। नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है, 1 और 3 पोजीशन पर, तो आप 1 पोजीशन पर नाइट्रोजन पुट कर दें, 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन पुट कर दें और अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड एड कर लीजिए, क्लियर है ना। ये स्ट्रक्चर किसका है, पिरिमिडीन का। अब देखिए गाइस प्यूरीन में 2 नाइट्रोजनी क्षार थे, कौन कौन से, एक था एडेनिन, एक है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन, क्लियर। यहां पर पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में भी 2 नाइट्रोजनी बेस थे, 2 नाइट्रोजनी क्षार हैं, पहला है थाइमीन और यहां पर नेक्स्ट साइटोसिन। तो इनके स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करिए, एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप 6 पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड NH2 जोड़ दीजिए, एडेनिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जैसे बना है स्ट्रक्चर वैसे ही आप फॉर्म कर लीजिए, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हमने वैसे ही बना लिया और नाइट्रोजन जहां पर प्रेजेंट है हम वहां पर नाइट्रोजन शो कर दिए, यहां पर एच है सिंगल बॉन्ड से, क्लियर सभी को। तो चेंज क्या हो रहा है, 6 पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड NH2 ऐड कर दीजिए, वो स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, एडिनिन का। अब ग्वानिन के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आने वाले हैं उसको देखिए, तो सबसे पहले आप प्यूरीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए, डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो हमने यहाँ पर डबल रिंग फॉर्म कर दिया। अच्छा चेंज क्या होंगे ग्वानिन में, 6 पोजीशन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और जो NH2 है वो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर है, नाइट्रोजन पुट कर दीजिए जहां पर प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, यहां पर H ऐड कर दीजिए वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। आप देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड है, क्या यहां पर डबल बॉन्ड लगा दें, बिल्कुल लगा दीजिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो कॉर्नर आपको दिख रहा है वहां पर कार्बन है, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो आप यहां पर H ऐड कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर है ग्वानिन का। चेंज हमने क्या बताया आपको कि प्यूरीन के स्ट्रक्चर में क्या चेंज करना है, 6 पोजीशन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सेकंड पोजीशन पर NH2 ग्वानिन बन गया। आइए थायमीन के बारे में देखते हैं, तो थायमीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सिंगल रिंग ड्रा करिए, चलिए सिंगल रिंग ड्रा कर दिया। अच्छा चेंज क्या है, चेंज बता दीजिए, तो चेंज आपको क्या देखना है, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिफ्थ पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपको ऐड कर लेना है और नाइट्रोजन जहां पर प्रेजेंट है उनको वहीं पर रहने दीजिए, क्लियर। अच्छा यहां पर डबल बॉन्ड है, हमने यहां पर डबल बॉन्ड कर लिया, क्या नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, तो हम यहां पर H ऐड कर लेंगे, H ऐड कर लिया, क्यों 3 बॉन्ड होने चाहिए, 1, 2, 3 हो गए, 1, 2 और 1 हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है थायमीन का। अब दोस्तों आगे देखेंगे साइटोसिन का स्ट्रक्चर, तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, चेंज क्या होगा, तो सबसे पहले आप सिंगल रिंग ड्रा करिए, सिंगल रिंग ड्रा हो गई। अब क्या करेंगे, तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा और फोर्थ पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड NH2 रहेगा, नाइट्रोजन जहां पर प्रेजेंट है वहीं पर रहने दीजिए, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा।
और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से ही है, ये कार्बन उसके साथ में H अटैच है। बात आती है नाइट्रोजन की वैलेंसी की, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका दोस्तों, साइटोसिन का। तो साइटोसिन के स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया गया है, जो पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है फोर्थ पोजीशन पर NH2 है इसमें, और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो गया, क्लियर। तो ये रहे स्ट्रक्चर डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के। अब हम इसके बाद सीखेंगे आरएनए के नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर चेंज क्या करना है, आप ही को बनाना है सब कुछ, मुझे केवल चेंज कर देना है बस। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ आरएनए। तो हम तो यहां पर चेंज कर लेंगे, प्यूरीन यहां पर भी है, पिरिमिडीन यहां पर भी है, इतना कॉन्सेप्ट का बिल्कुल सेम रहेगा, एडेनिन ग्वानिन स्ट्रक्चर भी सेम है, और यहां पर थायमिन के प्लेस पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो मैंने यहां पर थायमिन को हटा दिया और दोस्तों यहां पर हमने बढ़ा दिया यूरेसिल, तो नाम चेंज हो गया, क्या स्ट्रक्चर वही रहेगा, बिल्कुल नहीं। आप यहां से CH3 हटा दीजिए, बस ये स्ट्रक्चर है यूरेसिल का, साइटोसिन का स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिया पहले से ही। अब देखिए नीट में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, अच्छा हमने थायमिन का स्ट्रक्चर अभी इरेज कर दिया है, मैं उसको नोट करके यहां पर लिखे दे रहा हूं। तो थायमिन का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहां पर CH3 नाइट्रोजन जहां पर प्रेजेंट थे वहीं पर हमने पुट कर दिया। अच्छा नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, तो NH NH ये डबल बॉन्ड था, क्लियर है ना। अब यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखिए और थायमिन का स्ट्रक्चर देखिए क्या चेंज है, अगर हम इस CH3 को यहां से हटा दें तो ये यूरेसिल हो जाएगा, CH3 को हटा दीजिए बाकी पार्ट पूरा क्या है यूरेसिल, मतलब पांचवें पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा है जिसको मेथिल कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा थायमिन का। ये है क्या दोस्तों, ये है कि स्ट्रक्चर थायमिन का, इसका अनदर नेम क्या है, 5-methyl uracil, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, नीट पीएमटी बायोलॉजी में, क्लियर है, और 12th क्लास में बायो में ये सब तो है ही, लेकिन केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स में ही क्वेश्चन है। तो यह और कॉम्पिटेटिव लेवल में वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं अगर यहाँ से आए तो क्या आएंगे, और आए हुए भी क्वेश्चंस हैं कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, तो एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होता है, तो यूरेसिल एब्सेंट होता है, क्लियर है ना। और आरएनए में थायमिन नहीं होता है, तो उस पर उस जगह पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, यूरेसिल पाया जाता है, क्लियर गाइस, सभी को समझ में आया, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थैंक यू।